हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 6 बजे से मैं कर रही हूँ। कर रही हो तुम दोनों? तो गाइज, ये दोनों इन दोनों लड़कियों ने इतना परेशान कर रखा ना, बहुत ज्यादा दुखी कर रखा है। पूरा दिन तो ये चोटी खोलेगी, नहाएगी चोटी खोलेगी, कपड़े चेंज करेंगी, सारा दिन यही काम है। तो गाइज, अब मैं जा रही हूँ अंदर और अब लगाऊंगी पोछा। तो गाइज, अभी है ना टाइम नहीं मिला बिल्कुल, जब से ही काम कर रही हूँ। तो अब बन रही है मेरी सब्जी, तो इसमें मैं बना रही हूँ दाल। और इधर देखो, ये दोनों आ जाओ, कंघी करूंगी तुम्हारे। चलो बहनी बोरी, चलो कंघा लेके चलो, दोनों बाहर चलो, ले आओ आ जाओ। तो गाइज, इनको डेली चोटी बनाना पड़ता है बहुत। तो गाइज, है ना दिन के 12 बज गए, अब जाके मेरा काम हुआ था और मैंने अभी नहाई धोई भी नहीं, क्योंकि इतनी तेज गर्मी है ना गाइज गांव में, पूछो मत। हो तो मैंने क्या है, वैसे वीडियो तो नहीं बनाया था, लेकिन कल मैंने सिलाई मशीन ली थी। मेरे को बहुत शौक है कि मैं, जैसे घर की भी कई चीज़ें ऐसी होती है कि ना बहुत ज़रूरत पड़ जाती है सिलाई मशीन की, तो मैंने मशीन ली है कल कि मैं खुद के कपड़े सिल लूँ और मेरे बच्चों के कोई भी फटे टूटे कपड़े। मतलब दिल्ली में तो कहे जी ये हाल है ना कि इतना सा टाका दिलाओगे ना आप तो उसके भी 50 रुपये ले लेते हैं, अगर जैसे इशू की कोई चीज़ उधड़ गई लगा लो तो उसके भी 50 रुपये ले लेंगे। फिर मैंने सोचा खुद ही ले लो ना चीज़, उससे अच्छा तो। और गाय जी, मुझे सही बताओ, मुझे तो सुई लगाना भी नहीं आता, मशीन में धागा भी डालना नहीं आता। तो मेरे पास में ही मेरी एक देवरानी लगती है, तो मैं उनके घर पर जा रही हूँ कि उनसे सीख के आऊँगी कैसे कैसे लगाते हैं कैसे कैसे नहीं लगाते। वैसे तो आज ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम मोबाइल से सर्च करके सब चीज़ें देख सकते हैं, पर मैं सोची एक बार मैं जाके ही आ जाती हूँ, फिर शाम को चालू करूँगी मशीन। कल लेके आए थे हम राजगढ़ जाके। तो भाई जी, ये मेरी सिलाई मशीन है, अभी ली है मैंने न्यू, और ये डिब्बा रखा और इसकी कंपनी है रेलको। पता नहीं, पहली बार ऊषा और पूजा तो चलती है, लेकिन इसका पता नहीं है कैसी है, पर अच्छी थी वो बोल रहा था, बहुत अच्छी है। तो गाइज, खेत में जा रही हूँ गोबर फेंकने भैंस का, और अब जाके थोड़ी ठंड हुई है, 6:30 का टाइम, मतलब 7 ही बज गए। तो अभी हमारे क्या खेत में ही फेंकते हैं हम गोबर, अभी जब तक फसल वसल नहीं बोएंगे ना, जब तक हम, ये हमारा खेत है देखो, ये डाल रखा ऐसे। तो मैं डालने वाली हूँ यहाँ पे। हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून, रुको बोलो। हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो? और मेरी तबीयत बहुत खराब है गाइज, और ऐसे होता है गाइज। तो गाइज, है ना हम डुगू को लेके आए हैं राजगढ़। तो अभी कुछ दिन पहले हमारे गांव गई थी ना, तब भी ये बीमार चल रही थी, उसका पेट में दर्द ठीक नहीं हो रहा, तो डॉक्टर ने इसको अल्ट्रासाउंड लिखा है, सोनोग्राफी वो हम करवाएंगे, और ब्लड टेस्ट है एक वो भी करवाएंगे। तो मैं और ईशु के पापा राजगढ़ आए, अभी बहुत धूप थी तो गाड़ी लेके आए थे, है ना डुगू, सुई खाने लगे कि चलो। तो गाइज, अभी चलते हैं और इसका ब्लड टेस्ट करवाते हैं। डुगू, दर्द मत करना, क्या हो रहा है, सुई लगी थी, कहाँ पे लगी थी ये भी बता दो, कहाँ लगी थी बच्चा? अब इसको डर लग रहा है, हाथ पकड़ रही है जगह जगह से। कहाँ लगी थी? दीदी को बताना, दीदी को बताना, दीदी। तो गाइज, फाइनली मैंने डुगू की जांच करवा ली है, इसकी सोनोग्राफी रिपोर्ट भी आ गई, ब्लड टेस्ट भी इसका आ गया, और अभी यूरिन टेस्ट करवाया था, वो रिपोर्ट हमें 3 दिन में मिलेगी। पर दवाई चालू भी कर दी डॉक्टर ने आज से, उसको पेट में दर्द होता था तो उसका ब्लड भी थोड़ा कम है कि जैसे 11 से ऊपर होना चाहिए, तो 11 से कमी है इसका ब्लड, तो ब्लड की थोड़ी कमी है, ज़्यादा तो नहीं है बट थोड़ी कमी है। तो डॉक्टर ने बोला थोड़ा हरी सब्जियाँ वगैरह इसको थोड़ा सा खाना, मतलब इसको जब से पेट में दर्द हो रहा था ना तो ये कुछ खा भी नहीं रही थी। 1 बज गया, तो अभी वापसी हम घर पर जा रहे हैं, इसके पापा आज ड्यूटी पे भी जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे हम लोगों को यहीं छोड़ के, फिर ये 3-4 दिन ड्यूटी करके और वापस आ जाएंगे घर पे। बने रहना गाइस ब्लॉग में, फिर हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद में।
तो गाइस फाइनली हम घर पे आ गए और आके अभी खाना खा रहे हैं। तो इधर ईशु के पापा बैठे हुए हैं, ये देखो दही है, प्याज है, केरी की सब्जी और ये बैंगन की सब्जी, और सेम मेरा भी यही है। और अभी हम खाना खा रहे हैं, डुबू को खिला दिया, फिर मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद में। मेरी तो गाइस अभी काम ही चल रहा है, लेकिन सुबह नहीं होती, बस सुबह ही होती है, सोचते हैं कि सुबह हो गई, होते ही दोपहर हो जाते, इतनी तेज की वाली गर्मी है ना कि पूछो मत। और ये देखो दोनों क्या लेके आई है गाइस, हमारे है ना भैंस दूध नहीं दे रही, तो दोनों को ना छाछ राबड़ी चाहिए, दही भी चाहिए इनको। लिया लिया, अब तू ले रहा, थक गई तो पता नहीं कहाँ कहाँ से छाछ मांगती घूमती कहाँ से लेके आई, अच्छा उधर से लेके आई। गाइस देखो छाछ लेके आ गई दोनों भाई हमारे भी, अब ना दोनों लड़कियां काम करने वाली हो गई, और दो और है, वो तो अभी छोटी है पर वो भी हो जाएंगी बड़ी, पर अब दोनों ना हाथ लगनी होगी, हाथ लगनी का मतलब काम करने वाले, मतलब जैसे कि सारा लगाने वाली, सारा तेरी ऐसी कर चलो उठाओ इसको अंदर लेके चलो। तो हेलो गाइज, गुड इवनिंग, आप लोग कैसे हो गाइज, हम लोग बहुत अच्छे हैं और होप करती हूँ कि आप भी अच्छे ही होंगे। तो देखो मेरे कंटिन्यू ब्लॉग नहीं आ रहे, तो उसके लिए तो सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा मैनेज नहीं कर पा रही, गांव में हूँ अभी, और मैंने बताया नहीं था, एडिट वगैरह मैं नहीं करती हूँ आजकल, मतलब ज़्यादा अच्छी एडिटिंग मुझे नहीं आती। और मेरा जहाँ तक यही मैं सोचती हूँ कि मेरी आईडी अगर ईशु के पापा संभाले तो ज़्यादा बेटर रहे, इसलिए वो दिल्ली चले गए, उनको 3-4 दिन हो गए दिल्ली गए, तो फिर आज आ रहे हैं वापस, 3 दिन की ड्यूटी करके वापस आए हम, तो अभी तो आके नहीं पहुँचे, थोड़ी देर में आके पहुँच जाएंगे, तो मैं उनसे भी मिलवाती हूँ आपको। और उस दिन वो शाम वाली ट्रेन से गए थे, गाड़ी यहीं छोड़ गए थे, हम लोग नहीं गए थे ना, तो फिर उनको लग रहा था कि मैं गाड़ी का क्या करूँगा, फिर 3 दिन ड्यूटी करके फिर वापस आऊँगा, तो वो ट्रेन से चले गए थे और आज भी ट्रेन से ही आ रहे हैं। फिर हम 2-4 दिन और रुक के और हम लोग भी दिल्ली चले जाएंगे। कौन आ गया डुगू, कौन आ गए, कुछ भी नहीं लाए मैं डुगू के लिए, अब जा रहा हूं कुछ लेके आऊं। अरे ऐसे थोड़ी होता है, वो तो बस आया था सीधा, पापा ने मुझे बोला था, ये क्या सो के उठी है, बताइ ऐसे ही बोल रही थी बिना बात करे, पापा ऐसी लाएगी, पापा चोको लाएगी, ईशा खाएगी इतना तो पापा दिखगी। तो गाइस है ना, आज मैं आपको बताई, आज मैं आपको मम्मा की अपनी सिलाई मशीन दिखाने वाली हूँ, ये देखो गाइस, ये देखो ये रही मेरी मम्मा की सिलाई मशीन। और मम्मा का कुछ, मम्मा क्या फट गया आपको, बुशर्ट? तो गाइस अभी मम्मा ना अपने बस सेट को सिल रही है, ये मेरी है, वाओ। तो गाइस हम भी दो चम्मच, चाचा भी खाएंगे। अच्छा 2 चम्मच क्यों दिया आपने मेरे को, चाचा भी खाएंगे ना, और डुगू बच्चा भी खा रहा है क्या, पापा को थैंक यू भी बोल दो। गाइस ये देखो ना, इधर इतनी सारी गर्मी पड़ती है, और ये देखो पापा इधर ना छिटका कर रहे हैं, वो भी पानी को और पेट को धो रहे हैं। तो गाइस है ना, दिल्ली से आने के बाद में ईशु के पापा ने ना पूरा छिड़काव कर दिया, इधर भैंसों के ऊपर भी, भैंस को भी नहला दिया, और ये देखो सारे पेड़ों पे ना, तो बहुत ऐसे लग रहा है कि ठंडा ठंडा सा हो गया, कूलर भी भरना है दोनों, ठीक है।